दोस्तों आज मैं सॉ 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने इसके फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन सॉ 2। कहानी की शुरुआत में हम माइकल नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे जिग्सो ने किडनैप करके रखा था। फिर जैसे ही उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसे एक मास्क लगाया गया है जिसमें बहुत ही खतरनाक कील लगी हुई है। तभी वहाँ पर रखी हुई टीवी में जिग्सो दिखाई देता है, जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि माइकल पुलिस का एक खुफिया एजेंट है। इस दौरान जिग्सो उसे बताता है कि तुम्हारे मास्क में टाइमर लगा हुआ है और जैसे ही वो टाइमर बंद होगा मास्क भी बंद हो जाएगा, इससे तुम बहुत ही बुरी तरह से मारे जाओगे। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जिग्सो ने माइकल की आंखों का ऑपरेशन करके उसके अंदर एक चाबी छुपा दी है जिसकी हेल्प से वो अपने मुंह पर लगे मास्क को खोलकर बच सकता है। ये जानकर माइकल अपनी आंखों से चाबी निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इससे टाइमर खत्म होते ही वो मास्क बंद हो जाता है और माइकल वहीं पर मारा जाता है। फिर हम डेनियल नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे किसी वजह से पुलिस स्टेशन में रखा गया था। तभी उसे लेने के लिए उसके डैड डिटेक्टिव एरिक वहां पर पहुंचते हैं। इस दौरान हमें पता चलता है कि डेनियल और उसके डैड की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। हालांकि जब एरिक डेनियल को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपने आप को सुधारना होगा तो वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर रात में एरिक के पास उसके सार्जेंट का कॉल आता है जिससे वो अपनी पार्टनर एलिसन के साथ क्राइम सीन पर पहुंचता है जहां पर कोई और नहीं माइकल को ही मारा गया था। ये देखकर एरिक समझ जाता है कि उसे किसी और ने नहीं जिग्सो ने ही मारा है और उसने एरिक के लिए एक मैसेज भी छोड़ा था, लेकिन वो इस केस पर बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता था। हालांकि उसकी पार्टनर उसे इस चीज के लिए फोर्स करती है लेकिन वो साफ इनकार कर देता है। फिर जब वो रात में सो रहा होता है तो उसके दिमाग में बार बार केस से रिलेटेड चीजें आ रही होती है। अब माइकल के मुंह पर लगी ट्रैप से पता चल जाता है कि जिग्सो के टूल्स कहां बनते हैं, इसीलिए एक स्वैट टीम जिग्सो को पकड़ने के लिए वहां पर छापा मारती है। इस दौरान हम देखते हैं कि उनके साथ ना चाहते हुए भी एरिक आया हुआ था। फिर जब वो लोग अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें जॉन मिलता है जिसे वो लोग चेक करते हैं लेकिन उसके पास कोई भी हथियार नहीं होता। फिर जॉन एरिक से एक रूम को चेक करने के लिए कहता है और जब एरिक अपनी टीम के साथ उस रूम में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके बेटे के साथ साथ 6 और लोगों को भी कहीं पर कैद करके रखा गया है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जॉन से इस बारे में पूछता है। इस पर वो कहता है कि अगर तुमने अपने बेटे को नहीं बचाया तो वहाँ पर एक ऐसी गैस छोड़ी जा रही है जो एंटीडोट न मिलने पर 2 घंटे में उसे मार देगी। लेकिन जब एरिक उससे अपने बेटे का पता पूछता है तो वो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोगों को कैद करके रखा गया था। इस दौरान हमें पता चलता है कि इन लोगों के बीच पिछली मूवी के सर्वाइवर अमेंडा भी मौजूद है जो दोबारा से खुद को जिग्सो की कैद में देखकर बहुत ही ज्यादा बौखला जाती है और आसपास की चीजों को चेक करने लगती है। अब उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें उन लोगों को गैस के बारे में बताया जाता है और ये भी बताया जाता है कि अगर उन लोगों को एंटीडोट नहीं मिला तो वो 2 घंटे के अंदर ही मर जाएंगे, इसीलिए उन सभी लोगों को मिलकर एंटीडोट ढूंढने के लिए कहा जाता है जो उसी घर में छुपाया गया है। यहाँ पर पता चलता है कि एक एंटीडोट उसी रूम में मौजूद लॉकर में है जहाँ पर वो लोग मौजूद थे, लेकिन उसे एक नंबर के कॉम्बिनेशन से ही खोला जा सकता है जो कि उन सबको एक दूसरे से बात करके ही मिल सकता था। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि उन सब में कोई ऐसी चीज कॉमन है जिसका क्लू उन्हें एक्स मार्क के पीछे मिलेगा। इसे देखने के बाद उन सबको ये भी पता चल जाएगा कि उन्हें एक साथ यहाँ पर क्यों रखा गया है। तभी वहाँ पर जेवियर को एक चाबी के साथ नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि इस चाबी को दरवाजा खोलने के लिए यूज मत करना, लेकिन जेवियर और गस इस बात को मजाक समझते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं जिससे वहाँ पर लगी हुई गन से गस का सर बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। फिर अमेंडा उन सबको बताती है कि जिग्सो नाम को एक सीरियल किलर हमारे साथ में गेम खेल रहा है, इसीलिए अगर हम रूल के हिसाब से चलें तो बच सकते हैं क्योंकि मैं पहले भी इस गेम में फंस चुकी हूँ। इधर एरिक ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। हालांकि एलिसन टेक्निकल टीम को कॉल करती है जिससे वो लोग उस लोकेशन का पता लगा सके जहाँ से ये वीडियो टेलीकास्ट हो रही है। इसके बाद एरिक जॉन से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। इस पर वो कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ अकेले में बात करना चाहता हूँ और क्योंकि मुझे पहले से ही कैंसर है इसीलिए तुम मुझे दर्द देकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं पहले से ही बहुत ही ज्यादा सह चुका हूँ। अब एरिक उससे बात करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें वापस से उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग कैद थे। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि वहाँ मौजूद दरवाजा पूरी तरह से स्टील से लॉक है, इसीलिए वो लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। फिर लॉरा को एक बेसमेंट का दरवाजा मिलता है जहाँ पर वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें ओवी नाम का एक नोट और कैसेट मिलता है क्योंकि उनमें से एक आदमी का नाम ओवी था। फिर जब जेवियर उस नोट के साथ मिले कैसेट को प्ले करता है तो पता चलता है कि ओवी नहीं बाकी लोगों को किडनैप करने में जिग्सो की मदद की है। फिर उन लोगों को वहाँ मौजूद एक बड़े से बॉक्स के बारे में बताता है जिसमें 2 एंटीडोट रखी हुई होती है जिनमें से एक ओवी के लिए थी और दूसरी वो किसी को भी अपनी मर्जी
उसे दे सकता है, लेकिन इस चीज के लिए ओवी को उस बॉक्स के अंदर जाना पड़ेगा। अब क्योंकि सब लोगों को पता चल गया था कि जिग्सो ओवी की हेल्प से ही उन लोगों को यहाँ पर ले पाया है, इसीलिए जेवियर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग उसे रोक लेते हैं। इसके बाद जेवियर ओवी को जबरदस्ती बॉक्स के अंदर जाने पर मजबूर कर देता है। फिर जैसे ही ओवी बॉक्स के अंदर से एंटीडोट लेता है, वैसे ही उसका दरवाजा बंद हो जाता है और उसमें लगे फर्नेंस ऑन होने की वजह से बॉक्स के अंदर आग जलने लगती है। हालांकि जेवियर ओवी को बाहर निकालने के लिए बॉक्स में दूसरी तरफ लगे कांच को तोड़ देता है, लेकिन जगह कम होने की वजह से ओवी उसी में फंस जाता है और बहुत ही बुरी तरह से जलकर मारा जाता है। इसके साथ साथ वो एंटीडोट भी अंदर ही जल जाती है। इधर जब एरिक जॉन से कहता है कि तुम एक किलर हो और लोगों को मारते हो, तो वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैंने आज तक किसी को भी नहीं मारा और तुम तो अपने बेटे पर हमेशा गुस्सा रहते थे, फिर अब उसे बचाने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो। ये तो बहुत ही अजीब बात है कि कैसे मरने की बात सुनकर ही इंसान के इमोशन बदल जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जब जॉन को अपनी बीमारी के बारे में पता चला था तो उसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहा। इन सब बातों से एरिक को लगता है कि जॉन उसका सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है, इसीलिए वो उठकर वहाँ से चला जाता है। इधर जब डैनियल अमांडा से पूछता है कि तुम एक बार सरवाइव कर चुकी हो, फिर तुम्हें यहाँ पर दोबारा क्यों लाया गया है, तो वो बताती है कि जब मैं जेल में थी तो सुसाइड करने की कोशिश की, शायद यही वजह है कि उसने फिर से मुझे किडनैप कर लिया। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक दरवाजा मिलता है जिसे जेवियर खोलता है। वहाँ पर एक टाइमर ऑन हो जाता है और आसपास चेक करने पर जेवियर के नाम का एक नोट मिलता है जिसके साथ एक कैसेट भी थी। फिर जब वो कैसेट को प्ले करते हैं तो पता चलता है कि जेवियर एक ड्रग डीलर है, इसी वजह से उसे यहाँ पर लाया गया है क्योंकि वो लोगों को ड्रग लेने की आदत डालता है जिससे वो उसे लेने के लिए मजबूर हो जाए। इस दौरान ये भी बताया जाता है कि जेवियर का एंटीडोट वहाँ पर बने हुए लॉकर में है, इसकी चाबी एक गड्ढे में रखे हुए बहुत सारी सीरिंज के बीच में है और अगर लॉकर को टाइम से नहीं खोला गया तो वो परमानेंटली लॉक हो जाएगा। ये सुनकर जेवियर जबरदस्ती अमांडा को चाबी ढूंढने के लिए उस गड्ढे में फेंक देता है, इससे उसे बहुत सारी सीरिंज घुस जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो चाबी ढूंढ लेती है। इसकी हेल्प से जेवियर लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही टाइमर बंद हो जाता है और वो लॉकर लॉक हो जाता है। इधर एरिक की टेक्निकल टीम भी उनके पास पहुंच जाती है। इस दौरान जब एरिक जॉन से बात कर रहा होता है तो जॉन उससे कहता है कि तुम सबूतों का हेर फेर करके लोगों को फंसाते हो और मेरे पास इस बात का सबूत है। फिर वो एरिक से उन सबूतों को चेक करने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो उन सबूतों को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर उन्हीं लोगों के केस से रिलेटेड फाइलें हैं जिन्हें अभी जिग्सो ने उसके बेटे के साथ कैद करके रखा है। इससे पता चलता है कि एरिक ने उन सबको ही किसी न किसी झूठे केस में फंसाकर जेल में डाला था, लेकिन अब उसका बेटा उन्हीं लोगों के बीच फंस गया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम जेवियर को देखते हैं जिसकी नजर गस की डेड बॉडी पर पड़ती है, तभी उसे गस के गले में एक नंबर दिखाई देता है जिससे वो समझ जाता है कि टेप में इसी नंबर के बारे में बताया गया था। तभी उसके पास जोनस भी पहुंच जाता है जो उसे साथ मिलकर एंटीडोट ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन जेवियर इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं अकेले ही काम करता हूँ। इसके बाद वो चाकू लेकर जोनस पर अटैक करने की कोशिश करता है, इसीलिए जोनस भी उसका सामना करने लगता है, लेकिन जेवियर उसके सर पर एक लकड़ी के कील वाले पोल से अटैक करके उसे वहीं पर बहुत ही बेरहमी से मार देता है और उसके भी गले पर लिखे हुए नंबर को देख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरा की हालत भी वहाँ पर फैल रही गैस की वजह से काफी खराब हो रही है। हालांकि अमांडा और डैनियल उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, तभी लॉरा की नजर दीवार पर लगी हुई एक तस्वीर पर पड़ती है जिसमें एक्स मार्क बना हुआ था, और जब एडिसन उस तस्वीर को निकालती है तो उसे तस्वीर के पीछे एक फोटो मिलती है जो किसी और की नहीं बल्कि डैनियल और उसके डैड एरिक की होती है। उस फोटो के पीछे लिखा हुआ था कि डैनियल एरिक का बेटा है। इस बात से एडिसन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, तभी देखते ही देखते लॉरा वहीं पर बेरहमी से मर जाती है। अब अमांडा इन सब चीजों के बावजूद डैनियल को बचाने की कोशिश कर रही होती है, तभी जेवियर को भी पता चल जाता है कि डैनियल एरिक का बेटा है, जिस बात से वो उससे और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और उसे आवाज लगाते हुए ढूंढने लगता है। ये देखकर एरिक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एडिसन के मना करने के बावजूद जॉन को बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर करने लगता है। फिर हम एडिसन को देखते हैं जो एक रूम में पहुंचती है तो वहां पर उसे एक एंटीडोट दिखाई देता है जो एक ग्लास के ट्रैप के अंदर रखा हुआ था, और क्योंकि एडिसन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है इसीलिए वो बिना सोचे समझे उस एंटीडोट को निकालने के लिए ट्रैप के अंदर अपना हाथ डाल देती है और उस एंटीडोट को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाता है और एडिसन के दोनों हाथ भी उसी ट्रैप में फंस जाते हैं, इससे वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। इसीलिए उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर जेवियर पहुंच जाता है जो उसके गले में लिखे हुए नंबर को देखता है और वैसे ही उसे छोड़कर चला जाता है, इससे एडिसन वहीं पर चिल्लाती रह जाती है। फिर हम एरिक को देखते हैं जिसने जॉन को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी, इसीलिए जॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के पास ले जा सकता हूँ लेकिन हम वहाँ पर अकेले ही जाएंगे। इस बात के लिए एरिक तैयार हो जाता है, तभी टेक्निकल टीम को भी उस जगह की लोकेशन मिल जाती है जहाँ से वो वीडियो टेलीकास्ट
ब्लास्ट किया जा रहा था, इसीलिए उनकी टीम वहाँ पर छापा मारने के लिए निकल पड़ती है। इधर जेवियर गर्दन पर लिखे गए नंबर के लिए अमांडा और डेनियल के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो दरवाजा बंद करके एक बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। इससे जेवियर भी उसका पीछा करते हुए बेसमेंट में पहुंच जाता है। हालांकि तब तक एरिक भी वहां पर पहुंच गया होता है, जो अपने बेटे को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। फिर हम देखते हैं कि अमांडा डेनियल को लेकर उसी टॉयलेट में पहुंच जाती है जहां पर पहली मूवी में लॉरेंस और एडम को रखा गया था। इस दौरान हम देखते हैं कि वहां पर अभी भी जैप और एडम की डेड बॉडी उसी तरह से पड़ी हुई सड़ रही थी। तभी जेवियर भी वहां पर पहुंच जाता है। हालांकि अब तक डेनियल भी गैस के जहर की वजह से बेहोश हो जाता है। इससे अमांडा को लगता है कि वो मर चुका है, इसीलिए वो वहां पर पहुंचे जेवियर को इस बारे में बताती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे बस इसके और तुम्हारे गले में लिखा हुआ नंबर चाहिए। इस पर वो कहती है कि तुम्हें अब तक अपने गले का ही नंबर नहीं पता, तो तुम हमारा नंबर लेकर क्या करोगे। ये सुनकर वो अपने गले पर लिखे नंबर को काट लेता है और फिर अमांडा की तरफ बढ़ने लगता है। इससे डेनियल वहां पर पड़ी हुई आरी से जेवियर के गले पर अटैक कर देता है, इससे वो वहीं पर मारा जाता है। इधर जब FBI टीम उस लोकेशन पर पहुंचती है जहां से वीडियो टेलीकास्ट किया जा रहा था, तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग जो वीडियो देख रहे थे वो लाइव नहीं थी बल्कि रिकॉर्डेड थी, जिससे पता चलता है कि अभी तक हमने डेनियल और उसके साथ कैद लोगों के साथ जो कुछ भी होता हुआ देखा वो पहले ही हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हम एरिक को देखते हैं जो अपने बेटे डेनियल को ढूंढता हुआ उसी बाथरूम में पहुंच जाता है, लेकिन इस दौरान वहां पर पूरी तरह से अंधेरा था। फिर जैसे ही वो बाथरूम के पास पहुंचता है, उसमें छुपा हुआ पिग मास्क वाला आदमी उस पर एक इंजेक्शन से अटैक कर देता है, इससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि काउंट डाउन खत्म होते ही एलिसन के पास मौजूद एक लॉकर खुल जाता है, जिसके अंदर उसे डेनियल मिलता है जो बिल्कुल सही सलामत था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब एरिक को होश आता है तो उसे एक टेप मिलता है जिससे वो प्ले करता है। ये काफी अजीब बात थी कि उस टेप से जिक्सो की जगह पर अमांडा की आवाज आ रही थी, इसे एरिक ने एक झूठे केस में जेल में डाला था। इसके बाद जिक्सो ने अमांडा को किडनैप कर लिया था, इसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ बदल गई, क्योंकि वो अमांडा की एक फादर की तरह केयर करने लगा और एक टीचर की तरह सारी चीजें सिखाने की कोशिश की जो कि जरूरी थी। फिर हम देखते हैं कि एरिक के पैरों को बांधा गया है, जिससे पता चलता है कि अब जिक्सो ने उसे भी किडनैप कर लिया है और ये सारा खेल किसी और के लिए नहीं बल्कि उसे ही किडनैप करने के लिए किया गया था। इसके बाद अमांडा उसे वहीं पर बंधा हुआ छोड़कर चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि गाड़ी में बैठा हुआ जॉन भी अब मर चुका है, जिससे पता चलता है कि अगला जिक्सो कोई और नहीं बल्कि अमांडा होगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।